हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th IAS का इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है, राइट। हम पहला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर बाय चांस आप लोगों ने पहला पार्ट मिस किया, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू हैव मिस्ड, देन यू पीपल कैन अगेन वॉच दोस पर्टिकुलर चैप्टर्स। दे आर लाइव, आपको हमारे चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप इजीली जाके उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो। दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूड वर्जन। ये हमारे चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था, सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे नए 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 टॉपिक इस पर्टिकुलर चैनल पे। ये है आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन, राइट। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर CA मोहित तापरिया। हम लोग हर रोज आते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पिछले 2 हफ्ते कुछ खराब गए हैं, बट देन टू वी आर गोइंग टू कम अगेन। नाउ वी आर अगेन बैक टू द फुल एनर्जी, राइट। वी पीपल आर गोइंग टू कम अगेन ऑन रेगुलर बेसिस विद सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉपिक ऑफ 11th एंड 12th कॉमर्स ऑन डेली बेसिस, राइट इनफ। हम लोग मेनली 11th IAS, 12th IAS, 11th CBSE, 12th CBSE एंड 11th गुजरात बोर्ड, 12th गुजरात बोर्ड के बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आप लोगों के लिए फ्री में, कम्प्लीटली फ्री। दिस पर्टिकुलर चैनल, ये पूरी की पूरी चैनल आपके लिए पूरी फ्री है। सो सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो आप में से किसी को अगर कभी भी कोई इशू हो, कोई डाउट हो, आप आराम से कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत बच्चों ने पिछले 2 हफ्ते मुझे बहुत मिस किया, आई नो दैट। बहुत बच्चे पूछ रहे थे, सर कब ठीक होगे, कब वापस से आओगे। आई एम बैक नाउ। अब आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर है। अब लगातार एक के बाद एक वीडियोस आते रहेंगे। आप लोग बस यहाँ पे बने रहिए, और जब जब वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, ठीक है बच्चा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा आज का टॉपिक। आप लोग सब चेक कर लीजिए, आपका ऑडियो वीडियो सब क्लियर हो, इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। चलिए सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक पे। हमने लास्ट वाले वीडियो को एंड किया था अबाउट प्रोडक्शन, जहाँ पे हमने प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। हमने देखा था भैया प्रोडक्शन क्या होता है, इट मीन्स क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हमने यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, ये पूरा का पूरा हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस है। आज हमारा वीडियो हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, दैट व्हाट आर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, हम सबको पता है प्रोडक्शन करने के लिए हमें चार बेसिक फैक्टर्स की हमेशा से जरूरत पड़ती है। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, राइट। सो ऑलवेज फॉर प्रोडक्शन वी नीड बेसिक 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। बाय यूनाइटिंग ऑल दीज पर्टिकुलर 4 फैक्टर्स, बाय असेंबलिंग ऑल दीज पर्टिकुलर 4 फैक्टर्स, वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वी कैन स्टार्ट जनरेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दीज आर द बेसिक 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब जब कभी भी ये फैक्टर्स हम किसी भी कंपनी को या किसी भी फर्म को या किसी भी बिजनेस हाउसेस को देते हैं, तो वो पर्टिकुलर फर्म, बिजनेस हाउसेस हमें इन फैक्टर के बदले में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स देती है। क्या क्या पेमेंट रहेगा? सो हमें पता है लैंड के बदले में हमें मिलता है रेंट, भैया लेबर के बदले में हमें मिलती है वेजेस, कैपिटल के बदले में हमें मिलता है इंटरेस्ट, और वही एंटरप्रेन्योर के बदले में हमें मिलता है प्रॉफिट। सो दीज आर द रिवॉर्ड्स व्हिच आर गिवन टू दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स फॉर द फैक्टर सर्विसेज। सो व्हेन एवर वी एम्प्लॉय एनी ऑफ दीज फैक्टर्स, वी हैव टू पे देम दीज पर्टिकुलर फैक्टर सर्विसेज रिवॉर्ड्स, राइट। हमें उनको रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो दीज आर बेसिकली नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट इनफ। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे। हमारा आज का नेक्स्ट टर्म रहने वाला है, दैट इज ऑल अबाउट प्राइसेस। प्राइस बेसिकली क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द यूनिट और द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज टू बी गिवन टू गेट दिस पर्टिकुलर कमोडिटी। आप जब कभी भी मार्केट में जाते हैं कोई पर्टिकुलर कमोडिटी बाय करने के लिए, तो उस कमोडिटी के लिए आप कितना पैसा चुकाते हैं, कितनी अमाउंट देते हैं, वो पर्टिकुलर पैसा या वो पर्टिकुलर अमाउंट उस पर्टिकुलर चीज की प्राइस रहती है। और इक्विलिब्रियम प्राइस किसे बोलेंगे? ये एक पर्टिकुलर वो प्राइस होती है जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, मतलब जितनी मार्केट में डिमांड है एग्जैक्टली उतनी अमाउंट ऑफ सप्लाई मार्केट में अवेलेबल रहेगी, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइसेस। मतलब ये वो प्राइस है जहां पे खरीदने वाला भी खुश है और बेचने वाला भी खुश है। खरीदने वाला बोल रहा है भैया मजा है, ठीक है, आई एम गेटिंग अ गुड सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कमोडिटी एट दिस प्राइस, एज वेल एज बेचने वाला बोल रहा है आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम एबल टू अर्न नॉर्मल एंड जेन्युइन प्रॉफिट। सो बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट और दैट पर्टिकुलर प्राइस लेवल इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। उसे क्या कहा जाएगा बच्चा लोग? दैट वुड बी टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। कमिंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर में हम खाली अलग अलग टर्म से डिस्कस करने वाले हैं,
बहुत सिंपल चैप्टर, बट दीज टर्म्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन फर्दर चैप्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज टर्म्स इन फर्दर डिटेल, राइट? हर जगह ये टर्म्स यूज होंगे, सो अगर इनका मीनिंग आपको पता रहेगा देन फर्दर चैप्टर्स वुड बी वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल, राइट? आई होप एवरीथिंग इज परफेक्टली रिकॉर्डेड. यस, कम ऑन, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज वॉट इज बेसिकली जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल मीन्स द जनरल प्राइस और जनरल लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट. मतलब जनरल प्राइस लेवल रिफर्स टू द एवरेज लेवल ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी नॉर्मली क्या प्राइसिंग चलती है, क्या जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है या गिर रहा है, दैट इज बेसिकली जनरल प्राइस लेवल. दैट इज द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. सिंपल डेफिनेशन है, खाली डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अब मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया भैया, मेरा फेवरेट टॉपिक, दैट इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई. मैं इधर लिख देता हूं महंगाई, राइट? इन्फ्लेशन का बेसिक मीनिंग होता है महंगाई. मतलब जब कभी भी भाव बढ़ जाते हैं, जब कभी भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज टर्म्ड एज महंगाई. हम बोलते हैं ना भैया कितनी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, सब्जी कितनी महंगी हो रही है, देन दोस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग, इट इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज जनरली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ परसिस्टेंट एंड अप्रिशिएबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल. जब कभी भी हमारा जनरल प्राइस लेवल, जिसकी डेफिनेशन हमने ऊपर देखी थी, जब कभी भी हमारा जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है. इन्फ्लेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा टॉपिक है, प्लीज ध्यान देना. पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है जो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड इन्फ्लेशन आता है. मतलब मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड अचानक से बढ़ गई, राइट? हम अचानक से उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर नहीं पाए हैं. अब भैया डिमांड रॉकेट हो गया है, सप्लाई हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं. सो व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अराइजेस इन द मार्केट व्हेन देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बट द क्वांटिटी सप्लाइड इज नॉट एज मच एज देयर इज डिमांड, सो यहाँ पे अचानक से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज टर्म्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. यहाँ पे इन्फ्लेशन डिमांड खींच के ला रहा है, डिमांड के कारण इन्फ्लेशन आ रहा है, सो उसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. वाइस वर्सा द सेकेंड वन इज कॉस्ट पुश. यहाँ पे इन्फ्लेशन आता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट. महंगाई बढ़ती है क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है. कॉस्ट बढ़ रहा है मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एवरी पर्टिकुलर कमोडिटी टू प्रोड्यूस वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ फैक्टर्स, राइट? वी नीड फैक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज. सो व्हेनेवर दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स बिकम्स एक्सपेंसिव, अगर ये फैक्टर्स महंगे हो गए तो हमें झक मार के हमारे फाइनल प्रोडक्ट को भी महंगा करना पड़ता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. मैं अभी तक एक कमोडिटी बना रहा था 100 रुपए, ठीक है भैया? उस कमोडिटी में 30 रुपीज का मटीरियल था और उसी कमोडिटी के अंदर 70 रुपीज का लेबर था और वो कमोडिटी का मेरा टोटल कॉस्ट था 100 रुपीज, राइट? इसमें मैंने दो ही कॉस्ट गिने हैं, बाकी कॉस्ट फिलहाल मैंने गिने नहीं है, ठीक है? सो मटेरियल था 30 रुपीज का, लेबर था 70 रुपीज का. अचानक से भैया लेबर लोगों ने स्ट्राइक कर दी. दे केम टू स्ट्राइक, भैया वो बोले कि वी नीड इंक्रीज वेजेस, 70 रुपीज इज नॉट इनफ फॉर अस, वी नीड इंक्रीज वेजेस. उन्होंने स्ट्राइक किया एंड फाइनली ओनर्स ने उनकी बात मान के उनकी वेजेस को बढ़ा के 70 की जगह कर दिया 90. Now imagine a situation when these particular cost increases. What will happen? अब जो product पहले हम 100 rupees में बनाते थे, अब वही product हमें बनने वाला है 120 rupees में. So हम उसे वापस से market में भी महंगा बेचेंगे. जब हमारा cost ही महंगा हो गया तो automatically हमें final price को भी ज्यादा करना पड़ेगा. इस तरह के inflation को कहा जाता है cost push inflation. यहाँ पे cost धक्का दे रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, तो इसे कहा जाता है cost push inflation. आई होप द टॉपिक इज वेरी इजी. नहीं आए तो भैया कॉमेंट सेक्शन आपका वरदान है, अच्छा खासा लिखिए. देखिए मेरे हिसाब से एडुकेशन बेसिकली मीन्स जहां पे आप मुझे क्वेश्चंस पूछो और मैं आपके सारे क्वेश्चंस के लिए आंसर देने को एकदम एकदम रेडी रहूं. मैं रेडी हूं भैया, मैं तैयार हूं आपके सारे सवालों के लिए, ठीक है? मैंने कहा था लास्ट 2 वीक्स वॉज नॉट गुड फॉर मी, राइट? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हेल्थ एंड ऑल दोज इश्यूज, बट अब से रेगुलर वी आर अगेन बैक रेगुलर, राइट? सो आप अपने सारे सवाल मेरे लिए कॉमेंट सेक्शन में छोड़िए. वीडियो अच्छा लग रहा तो भैया तारीफें कीजिए, वीडियो बुरा लग रहा तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर है, राइट? जो अच्छे अच्छे सजेशन हमें दीजिए, हम हमारे अगले वीडियो में 100% उन सजेशन को अप्लाई करेंगे. और सच में मजा आ रही है पढ़ने में, तो अपने बाकी सारे दोस्तों को बताना ना भूले. चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक,
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट वैल्यू. ये बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स है, राइट? दीज आर वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स. हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वैल्यू के बारे में, कि वैल्यू क्या होता है. प्लीज फोकस ओवर हियर, दीज आर वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स, राइट? वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू द वैल्यूएशन प्लेस्ड बाय एन हाउसहोल्ड. वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी क्या होती है? जब कभी भी एक हाउस होल्ड, जब कभी भी एक परिवार एक पर्टिकुलर चीज को एक वैल्यू देता है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को कहा जाता है, उस पर्टिकुलर वैल्यूएशन को कहा जाता है वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी. अब एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड उस कमोडिटी को वैल्यू किस बेसिस पे देगा? तो भैया दो बेसिस होता है. पहला होता है यूज के बेसिस पे हम वैल्यूएशन देंगे, या दूसरा होता है हम एक्सचेंज के बेसिस पे वैल्यूएशन देंगे. मतलब अगर कोई कमोडिटी ज्यादा यूजफुल है तो भैया उसकी वैल्यू यूजफुलनेस के हिसाब से ज्यादा होगी, या कोई कमोडिटी की मार्केट में एक्सचेंज वैल्यू अच्छी है तो हम बोलेंगे भैया उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है. सो आपको वैल्यूएशन देना है ऑन द बेसिस ऑफ टू पर टू क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपको वैल्यूएशन देना है. द फर्स्ट वुड बी वैल्यू इन यूज और दूसरा हो गया वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन यूज मीन्स क्या? इट रिलेट्स टू द कंजप्शन वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी. एक कमोडिटी आपको कंज्यूम करने के लिए कितना काम आ रही है, एक कमोडिटी आपके डेली कंजप्शन में आपको कितना सेटिस्फाई कर रही है, उसे कहा जाता है वैल्यू इन यूज. जबकि वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है एक कमोडिटी की मार्केट में क्या वैल्यू है. अगर उस कमोडिटी को मैं मार्केट में लेके जाऊंगा तो भैया मुझे कितनी एक्सचेंज प्राइस मिलेगी, उसे कहा जाता है वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन एक्सचेंज में दो तरह की वैल्यू आती है, एक आती है नॉमिनल वैल्यू और दूसरी आती है रियल वैल्यू. क्या आती है भैया? एक आएगा नॉमिनल वैल्यू, एक आएगा रियल वैल्यू. अब आप मुझे पूछेंगे सर ये नॉमिनल वैल्यू रियल वैल्यू क्या होता है? भैया मैंने आपके लिए पूरा लिखा है. नॉमिनल वैल्यू इज मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट सच एज रुपीज, राइट? जैसे कि सपोज कर लीजिए भैया मैं ये मेरी एप्पल पेंसिल लेके गया मार्केट में, मैंने कहा आई वॉन्ट टू सेल दिस पर्टिकुलर पेंसिल, सामने वाले बंदे ने बोला आई विल पे यू 5,000 फॉर दिस पेंसिल, देन दैट इज इट्स नॉमिनल वैल्यू. ये क्या हो जाएगी भैया? उसकी नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू को आप इजीली मेजर कर सकते हैं. यू कैन इजीली क्वांटिफाई दीज पर्टिकुलर स्टफ बिकॉज उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है. जबकि रियल वैल्यू इज अ परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म ऑफ अनदर कमोडिटी. हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के साथ में कंपेयर करते हैं, उसे कहा जाता है रियल वैल्यू, राइट? अब इसकी रियल वैल्यू शायद 10,000 की ना हो, 2,000 वाली भी कोई पेंसिल आती होगी जो इसके जितना ही अच्छा काम कर रही होगी, तो उसे कहा जाएगा रियल वैल्यू, राइट इनफ? सो वापस से बाइफर्केशन समझिएगा. वैल्यू दो तरह से होते हैं. हम एक कमोडिटी के वैल्यूएशन दो तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहला होता है वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ यूज, दूसरा होता है वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज. अगेन एक्सचेंजेस दो तरीके से हो सकते हैं. आइदर वी कैन गेट द एक्सचेंज रेट बाय नॉमिनल वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ मनी और रियल वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, राइट इनफ बच्चा? सो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक नया सा डेफिनेशन, एक नया सा टॉपिक जिसे हम बोलते हैं वैल्यू. आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. अगेन अ वेरी गुड टॉपिक. व्हाट इज मार्केट? मार्केट के बारे में एक मिथ होता है, राइट? हम जहां भी जिस भी एरिया में रहते हैं, हमारे एरिया में एक पर्टिकुलर लोकेशन को, एक पर्टिकुलर प्लेस को मार्केट कहा जाता है. लाइक मेरे फादर सुबह सुबह 10 बजे घर से निकलेंगे, मैं उनको पूछूंगा पापा कहाँ जा रहे हो, बोला मार्केट जाके आ रहा हूँ. मार्केट हमने बचपन से ये जाना दैट मार्केट इज अ फिजिकल लोकेशन, राइट? मार्केट एक जगह है जहां पे रोज हम जाते हैं और वहां से गुड्स एंड कमोडिटीज खरीदते हैं. बट इकोनॉमिक्स इतना छोटा नहीं है, इकोनॉमिक्स इतना नैरो नहीं है. चलिए डेफिनेशन पे आ जाएंगे. ऑर्डिनरी आदमी यह जरूर मानता है कि मार्केट एक फिजिकल प्लेस होती है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं. बट इकोनॉमिक्स कहता है मार्केट एक मैकेनिज्म है, मार्केट एक ऐसा पर्टिकुलर टूल, एक मैकेनिज्म है जहां पे बायर्स और सेलर मिलते हैं और वो गुड्स खरीदते या बेचते हैं. तो उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को कहा जाता है मार्केट. इट कैन बी वाया इंटरनेट, इट कैन बी ऑन व्हाट्सएप, इट कैन बी ऑन टेलीफोन, किसी भी मीडियम से हो सकता है भैया. कोई भी मीडियम क्यों ना, वो मार्केट है. भले वो वर्चुअल में एग्जिस्ट करता है, वो मार्केट है. सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि मार्केट एक फिक्स प्लेस हो. कोई भी जरूरी नहीं है कि मार्केट एक प्लेस हो, मार्केट वर्चुअल में भी एग्जिस्ट कर सकता है. सो दिस इज आवर नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज ऑल अबाउट मार्केट. अगर आपको मेरे ये सारे नोट्स भी चाहिए तो मैं मेरी टीम को बोल दूंगा ये सारे के सारे नोट्स का एक पीडीएफ बना के वो आपके लिए नीचे छोड़ देगी, राइट? डिस्क्रिप्शन के अंदर आप आराम से उसे डाउनलोड करके आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं. मुझे कोई इशू नहीं है यार, मेरी मेहनत अगर आपके काम नहीं आए तो वो मेहनत धूल है, राइट? सो मैं चाहूंगा कि मेरी सारी मेहनत आपके काम आए. हम लोग ये पूरे के पूरे नोट्स को, हमारे और भी बनाए हुए नोट्स है, वो सारे के सारे नोट्स हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते हैं. साथ साथ में बहुत सारे बच्चे हमें इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये नोट्स दीजिए, हमें वो नोट्स दीजिए, या हमें ये सुनिए. तो हम आप सबके सारे कमेंट्स इंस्टाग्राम पे भी पढ़ते हैं. तो भैया भूलिएगा ना शेपर्स एडुकेशन को फॉलो करना, या फिर हमारी शेपर्स एडुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना.
डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ मार्केट। भैया मार्केट कितने तरीके के होते हैं? मार्केट दो तरीके के होते हैं, पहला होता है गुड्स का मार्केट, दूसरा होता है फैक्टर्स का मार्केट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है भैया, जहां पे गुड्स को खरीदा बेचा जा रहा है दैट इज गुड्स मार्केट, और जहां पे फैक्टर्स को, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है भैया, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। जहां पे फैक्टर्स को खरीदा बेचा जा रहा है तो उसे कहा जाता है फैक्टर्स मार्केट, वेरी सिंपल वन। मूविंग फर्दर, व्हाट इज मनी, व्हाट इज मनी, मनी क्या होता है? सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है मनी की, मनी इज व्हाट मनी डज। भैया मनी इसलिए मनी है क्योंकि मनी का वट है, मनी का वर्चस्व है, मनी की एक रेप्यूटेशन है। मनी को अगर आप मार्केट में लेके जाओगे तो वो मनी आपको कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स दिला सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ मनी पीपल आर हैविंग। इन शॉर्ट, मनी इज व्हाट मनी डज। अगर मनी वो काम नहीं करता है, मनी आपको मार्केट में गुड्स दिलाने के काम नहीं आता है, तो भैया वो कागज का टुकड़ा है, देन दैट पर्टिकुलर मनी इज जस्ट स्क्रैप, दैट इज ऑफ मोर यूज टू अस। देयरफॉर मनी इज व्हाट मनी डज। देन टू लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज और एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे तीन चीजें हमने पढ़ी है, मनी के लिए पहला मीन्स ऑफ एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, दूसरा इट एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, एंड तीसरा इट कैन बी स्टोर्ड, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनने की ताकत रखता है कोई भी पर्टिकुलर चीज, या फिर इसको हम मेजर कर सकते हैं या फिर इसको हम स्टोर कर सकते हैं, तो भैया आप उसे बिंदास मनी बोलिए, दैट इज मनी, राइट। अब मनी के डेफिनेशन जब जब आती है हमारे दिमाग में एक और डेफिनेशन आती है, दैट इज भैया व्हाट इज दिस बार्टर सिस्टम। सो दिस बार्टर सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ एन एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये भैया बहुत पहले होते थे ऐसे सिस्टम, राइट। उस जमाने में पैसों की चलन नहीं थी, देयर वाज नो करेंसी, राइट। एवरी पर्टिकुलर पर्सन यूज्ड टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर आर टू पर्सन, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास सरप्लस में राइस है, मिस्टर बी के पास सरप्लस में व्हीट है। तो मिस्टर बी अपना वीट इनको देंगे, इनसे राइस ले लेंगे, एंड द सिस्टम इज टर्म्ड एज बार्टर सिस्टम, एक तरीके से ओएलएक्स, राइट। अगर आप ओएलएक्स पे जाओ और आप गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करो तो भैया आप बार्टर सिस्टम में हो, और अगर आप गुड्स के बदले में कैश दे रहे हो तो आप बार्टर सिस्टम में नहीं हो। ओएलएक्स पे नॉर्मली ऐसा होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज बिफोर। मैंने मेरा एक पुराना आईफोन था मेरे पास, तो मैंने मेरा एक आईफोन ओएलएक्स पे लगा दिया कि भाई मुझे मेरा आईफोन 8 बेचना है, आई डोंट रिक्वायर इट एनी मोर। तो मेरे पास सामने से एक दूसरे बंदे का मैसेज आया, सर ऐसा हो सकता है कि मैं आपका आईफोन ले लूँ और आप मेरा एंड्रॉयड फोन ले लो, इज इट पॉसिबल टू एक्सचेंज इट? सो मैंने बोला डिपेंड करता है आपका एंड्रॉयड फोन कौन सा है, उनका भी कुछ अच्छा सैमसंग का फोन था। मैंने बोला ठीक है सर, मुझे मंजूर है, डन चलेगा, क्योंकि मुझे वैसे भी एक एंड्रॉइड फोन चाहिए था। सो यस, हम मिले एक जगह, उसने मेरा फोन चेक किया, मैंने उसका फोन चेक किया, वी एक्सचेंज इट। हम में से किसी ने कैश करेंसी यूज नहीं की, तो भैया एक तरीके से वो हो जाता है बाटा सिस्टम, जहां पे गुड्स के बदले गुड्स जा रहे हैं या गुड्स के बदले सर्विसेज जा रही है, सो उसे कहा जाएगा बाटा सिस्टम। ये वो सिस्टम था जहां पे मनी पैसे जैसा कुछ भी होता नहीं था। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, नेक्स्ट इज भैया व्हाट इज इनकम। चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिटन इन रेड लेटर्स, सॉरी रेड कलर फॉर यू पीपल। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द फ्लो ऑफ मनी अक्रूइंग टू एन इंडिविजुअल और ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी ओवर सम स्पेसिफाइड टाइम। अगर आपको कहीं से भी गुड्स मिल रहा है या आपको कोई भी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के बदले में आपको पैसा मिल रहा है, आपको कोई भी तरह से पैसा मिल रहा हो, तो उस पैसे को कहा जाता है इनकम फॉर यू पीपल। और ये इनकम एक बार की नहीं होती, ये कंटिन्यूसली स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होती रहेगी, तो ही उसे इनकम माना जाएगा, तो ही उसे इनकम कहा जाएगा। अब इनकम वापस से एक इनकम और होती है जो हम आगे पढ़ चुके हैं, दैट इज फैक्टर इनकम, इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर्स, दैट इज लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उनकी जो भी इनकम होती है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ये सारी की सारी इनकम को कहा जाता है फैक्टर इनकम। क्या कहा जाएगा बच्चा इसे? इसे कहा जाएगा फैक्टर इनकम। आगे बढ़ेंगे वापस से, चलिए। नाउ द नेक्स्ट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ होल नेशन, पूरे देश की कमाई को, पूरे देश की इनकम को कहा जाता है नेशनल इनकम। डेफिनेशन इज, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिकली ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमारी कंट्री के पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर रह के जो भी प्रोडक्शन किया जाता है हमारी डोमेस्टिक फर्म्स के द्वारा, उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। सो प्लीज ध्यान रखिएगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेशनल इनकम मस्ट बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स, इट मस्ट ओनली रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट इज एक्चुअली ओनली द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये खाली फाइनल गुड्स पे ध्यान देता है
अगर बाई चांस कोई गुड्स इंटरमीडिएट लेवल पे है, इन शॉर्ट देर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन ऑन दोज पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, दे आर नॉट स्टिल कंप्लीटली रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट, तो ऐसे गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, ऐसे गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, और उन गुड्स को हम कभी भी इंक्लूड करते नहीं है, राइट इनफ। सो नेशनल इनकम के लिए मनी टर्म्स में होना जरूरी है, वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की लेंगे और हम सिर्फ फाइनल गुड्स के फ्लो पे ध्यान देंगे, हम इंटरमीडिएट गुड्स मतलब WIP वर्क इन प्रोग्रेस पे ध्यान देने वाले नहीं है, दिस इज नेशनल इनकम। आगे बढ़ेंगे, पर कैपिटा इनकम बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है, शायद आप लोगों ने 10th में एसएस में भी पढ़ा होगा, पर कैपिटा मींस पर इंडिविजुअल इनकम, एक आदमी की इनकम, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल प्रोडक्ट पॉपुलेशन, राइट, इनकम अपॉन पॉपुलेशन कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पर पर्सन की एवरेज इनकम मिल जाती है, उसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है प्लीज याद रखना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज व्हाट इज सेविंग्स, भैया सेविंग्स मतलब आपको पता ही है, हम जब कभी भी कोई पर्टिकुलर इनकम का पार्ट बचा लेते हैं, कंजप्शन में स्पेंड नहीं करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को कहा जाता है सेविंग्स। हर बंदा अपने हिसाब से सेविंग करता है भैया, पर्सनल सेविंग किसे कहा जाएगा, जो हाउस होल्ड करता है, ये मैंने टर्म्स आप लोगों के लिए इसलिए लिखे हैं, सपोज आप लोग की भी हालत CBSE जैसी हो जाए कि अचानक से आपको कहा जाए आपको MCQs का पेपर देना पड़ेगा, तो ये सिंगल सिंगल टर्म्स आपके काम आ सकते हैं। सो फिलअप्स MCQs ट्रू फॉल्स में ये टर्म्स याद करना पड़ेगा, पर्सनल सेविंग्स मीन सेविंग्स बाय हाउस होल्ड, बिजनेस सेविंग्स मीन सेविंग्स बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट सेविंग्स मीन सेविंग्स बाय गवर्नमेंट, इंडिविजुअल सेविंग्स मीन इंडिविजुअल फैमिली और ग्रुप्स की सेविंग्स, एंड एग्रीगेट सेविंग्स का मतलब हो जाता है टोटल सेविंग्स। वैसे तो बहुत ही लल्लू है, कॉमन सेंस है, बट एक बार याद कर लो, एक बार देख लोगे तो याद रहेगा, एग्जाम में लिख पाओगे। आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स किसे कहा जाते हैं, द एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्शन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, जब कभी भी हम लोग हमारे फैक्टर्स को यूज करके कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, मशीन्स बना रहे हैं, सो उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट्स, राइट। इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली तीन तरह से होते हैं, प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस में बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं घर बनाने के लिए या फिर नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने के लिए, आप लोगों ने मॉल्स बनाए, घर बना दिए, तो वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स को हम गिनते हैं इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउसिंग एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स। और लास्ट होते हैं, हर बिजनेस को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है स्टॉक में, वी नीड टू क्रिएट सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टॉक, हर चीज का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल का होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का होता है, फिनिश गुड्स का होता है, तो स्टॉक में भी हमें थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है, तो उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो इन्वेस्टमेंट्स तीन तरह से होंगे, प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, राइट बच्चा। आगे बढ़ते रहेंगे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भैया, वेल्थ किसे कहा जाता है, वेल्थ मतलब होती है आपकी जमा पूंजी, वेल्थ मतलब आपके जो भी रिसोर्सेज है विच आर मार्केटेबल, उन्हें कहा जाता है वेल्थ। सो वेल्थ इज अ स्टॉक ऑफ गुड्स एट सर्टेन टाइम विच कन्फर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पजेसिंग यूटिलिटी लिमिटेड इन सप्लाई ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ देयर ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आपकी हर वो चीज वेल्थ है जिसको आप रख सकते हो अपने पास, जिसमें कोई यूटिलिटी है, जिसको आप किसी को भी दे सकते हो और जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, then that particular thing is termed as wealth. Wealth के कुछ characteristics important है. सबसे पहले भैया wealth की utility होनी चाहिए. जिन चीजों की कोई utility नहीं है, वो कभी भी wealth होती नहीं है. So wealth must have certain amount of utility. Second, wealth scarce होना चाहिए. Wealth के अभाव होने चाहिए, कमी होनी चाहिए, तो ही उसको wealth माना जाएगा. जैसे कि भैया हवा, हवा की utility we need it daily to breathe, but उसकी कोई कमी नहीं है भैया, अपार है, फैला हुआ है, तो इसलिए उसको हम वेल्थ नहीं मानते, वी कैन सेल इट, राइट, हम उसे बेच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वन, वेल्थ को आप ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जिसको आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, वो आपके लिए वेल्थ होती नहीं है, वेल्थ उसे ही कहा जाएगा जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। द लास्ट वन, उसकी एक एक्सचेंज वैल्यू होगी, उसको जब भी आप मार्केट में ले जाके बेचोगे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलनी चाहिए, जैसे कि ये पर्टिकुलर स्टूडियो जहां मैं अभी बैठा हूँ, उस स्टूडियो की एक मार्केट वैल्यू, मैं स्टूडियो को कभी भी ले जाके मार्केट में बेचूंगा तो आई विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, राइट। मैं किसी को भी बोलूंगा भैया मुझे मेरा ये शॉप बेचना है, ये स्टूडियो बेचना है, दे विल पे मी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज एक्सचेंज वैल्यू, सो उसे कहा जाएगा वेल्थ। तो वेल्थ के चार कैरेक्टरिस्टिक्स, यूटिलिटी, स्कैर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड द लास्ट वन इज एक्सचेंज वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कमिंग फर्दर, वेल्थ दो तरीके की होगी, एक होगी टेंजिबल, एक होगी इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मींस नॉलेज हो गया, और टेंजिबल के अंदर और भी दो कैटेगरीज आती है, पहला आता है रिप्रोड्यूसिबल वेल्थ, दूसरा होता है नॉन रिप्रोड्यूसिबल वेल्थ। रिप्रोड्यूसिबल वेल्थ मींस जिसको हम फिर से क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से मैन मेड क्रिएशंस, मैन मेड एसेट्स को हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल वेल्थ, लाइक मशीन्स, लाइक इक्विपमेंट्स, लाइक स्टॉक, राइट। जबकि नॉन रिप्रोड्यूसिबल एसेट्स
क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो नॉर्मली नेचुरल रिसोर्सेस में हम कैटेगराइज करते हैं, जिनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे होंगे। सो याद रखिएगा, दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होता है रिप्रोड्यूसिबल, एक होता है नॉन रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल मीन्स मैन मेड, नॉन रिप्रोड्यूसिबल मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज। राइट इनफ बच्चा, लेट्स मूव फर्दर। नाउ व्हाट इज दिस वेलफेयर? अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। ये वेलफेयर क्या होता है भैया? ये वेलफेयर क्या होता है? सो वेलफेयर इज टेकन टू मीन अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ वेलबींग अमॉन्ग पीपल। एक ऐसी चीज जो हमें सेटिस्फाई करती है, जो चीज हमें खुशी देती है, हम बोलेंगे भैया दैट इज वेलफेयर। ये वेलफेयर है, इसमें मजा आया, हमें अच्छा लगा, हमें सेटिस्फैक्शन मिला, हमें एक खुशी हुई, देन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और दैट पर्टिकुलर गुड्स और दैट पर्टिकुलर सर्विस इज फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर दो तरह से हो सकते हैं, पहला होता है इकोनॉमिक, दूसरा होता है इकोनॉमिक। इसका एक तीसरा वर्जन भी है, दैट इज सोशल वेलफेयर। मैंने यहाँ पर डिस्कस ये किया है। चलिए, सो इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? इकोनॉमिक वेलफेयर इज दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर दैट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगर आप किसी वेलफेयर को पैसों के टर्म में मेजर कर सकते हो, तो उसे कहा जाता है इकोनॉमिक वेलफेयर। भैया घूमने के लिए गए, बीच के किनारे बैठे, वहां पे अब आप घूमने के लिए जाने का जो खर्चा लग रहा है, वहां बैठने के लिए आप जो एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, जो विला वगैरह आप बाय कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है इकोनॉमिक वेलफेयर। बिकॉज इधर बैठने के लिए आपने कुछ मॉनेटरी पेमेंट्स किए हैं, तो उसे कहा जाएगा हमेशा से वेलफेयर, वो भी इकोनॉमिक वेलफेयर। जबकि नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर इज दोस पर्टिकुलर वेलफेयर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, लाइक लव ऑफ योर मदर, राइट, केयर ऑफ योर सिस्टर। तो ये सब चीजें, ये भी भैया बहुत अच्छा काम होती है, दीज आर वेलफेयर। मम्मी जब प्यार से कुछ काम करती है, कितना अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट यू कैन नेवर मेजर लव ऑफ योर मदर, राइट? सो मदर्स लव इज नॉट एट ऑल मेजरेबल भैया, इनवेल्युएबल चीज है वो। सो उसे कभी भी हम मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। इसके बाद में आता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मीन्स इट्स अ सम टोटल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में रहने वाले सारे इंडिविजुअल्स की हैप्पीनेस को जब हम सम टोटल कर देते हैं, हम बोलते हैं दिस इज सोशल वेलफेयर। मतलब यहाँ पे सबको अच्छा लग रहा है, सबको खुशी मिल रही है, तो उसे कहा जाएगा सोशल वेलफेयर। मैंने इसलिए ये इंपॉर्टेंट लिखा है क्योंकि ये वापस से आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस साइकिल। भैया बिजनेस साइकिल क्या होता है? आप सबको पता है बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अच्छा चलता है बिजनेस, वी अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। कभी बिजनेस अच्छा नहीं चलता, वी आर नॉट एट ऑल अर्निंग एनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो इसलिए बिजनेस साइकिल को हम लोगों ने 4 पर्टिकुलर कैटेगरीज में बांट रखा है। सबसे पहला होता है एक्सपेंशन, दूसरा होता है रिसेशन, तीसरा होता है डिप्रेशन और चौथा होता है रिकवरी। एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है? जब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस मार्केट में बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो हम बोलते हैं एक्सपांशन, बिजनेस कमा रहा है। फिर एक्सपांशन आ गया, हम मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी, हम मैक्सिमम लेवल ऑफ इनकम जनरेट कर चुके हैं। अब धीरे धीरे मार्केट में थोड़ी मंदी आती है, थोड़ा पैसा कम मिलता है, इनकम कम होती है, थोड़ी सी सेल्स कम होती है, तो उसे कहा जाता है रिसेशन। भैया मंदी आना चालू हो गई है। जब इकोनॉमी पूरी फ्लैट हो जाती है, एकदम गिर जाती है, मिनिमम पॉइंट पे आ जाती है, एकदम गुड्स नहीं बिक रहे हैं, सर्विसेज बहुत कम बिक रही है, खर्चा चलाना महंगा हो गया है, इनकम बहुत कम हो गई है, उसे कहा जाता है डिप्रेशन। जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा खड्डे में चली जाती है, उसे कहा जाएगा डिप्रेशन। बट अगेन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इकोनॉमी स्टार्ट रिकवरिंग, वापस से इकोनॉमी बढ़ती है, उसे कहा जाता है रिकवरी। और रिकवरी करते करते इकोनॉमी वापस से एक्सपांशन मोड पे चली जाती है, देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज टर्म्ड एज बिजनेस साइकिल, दैट इज एक्सपांशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, एक्सपांशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सो इसे कहा जाएगा बिजनेस साइकिल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम्स में 2 to 3 मार्क्स में ये लोग आपको पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, अगेन 2 छोटी सी डेफिनेशन है, इनके चैप्टर्स भी पूरे डिस्कस करने हैं, बट फिलहाल आपको खाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। दैट इज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। द वर्ड एग्रीगेट मींस टोटल, द वर्ड एग्रीगेट मींस टोटल, देयरफॉर टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। द अमाउंट ऑफ गुड्स विच ऑल द बायर्स ऑफ फाइनल आउटपुट इन एन इकोनॉमी डिजायर्स टू परचेज इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड, जिसका फॉर्मूला रहता है AD इज इक्वल टू C + I + G, जहां पे सी का मतलब होता है कंजप्शन, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो हमने जो भी डिमांड के कंजप्शन के लिए, जो भी डिमांड के इन्वेस्टमेंट के लिए, या जो भी डिमांड सरकार कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, उन सब डिमांड को जब हम प्लस कर देते हैं, वो बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। देयरफॉर AD इज इक्वल टू C + I + G।
एंड द लास्ट वन इज एग्रीगेट सप्लाई, द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट विच ऑल द फर्म और प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। पूरे प्रोड्यूसर्स मिलकर कितनी गुड्स एंड सप्लाई मार्केट में बेचने को तैयार है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सप्लाई करने को तैयार है, देन दैट पर्टिकुलर एग्रीगेशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द अमाउंट प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल, then that is known as aggregate supply. उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? उसे कहा जाएगा aggregate supply. चलिए एक दो टॉपिक और बाकी है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. Now the next one, इसके बाद में एक ही टॉपिक और होगा मोस्टली, बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज इन एन इकोनॉमी. अब इकोनॉमिक एंटिटी इकोनॉमी में कौन सी होती है? तीन होती है, पहली हाउस होल्ड आप और हम, राइट, दूसरी फर्म हमारी फर्म्स, पापा का ऑफिस, दीज आर प्राइवेट फर्म्स, एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट. सो तीन एंटिटी रहेगी. पढ़ते हैं हाउस होल्ड के बारे में. Household means what? It's a person or a group of people living together who takes economic decisions about the type of commodity to be purchased to satisfy the want of his or her family. तो उसे कहा जाता है household. एक आदमी या एक परिवार जो मिलजुल के साथ में रहता है, जो अपने सारे consumption के decision मिलजुल के लेता है और market से consumption के लिए goods and services खरीदता है to satisfy his और her family demand. तो उसे कहा जाता है हाउसहोल्ड. जबकि फर्म क्या होता है? इट इज द एंटिटी विच एम्प्लॉयज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करती है टू प्रोड्यूस कमोडिटी दैट इट सेल टू अदर पीपल. ये जो भी गुड्स बनाती है, कमोडिटीज बनाती है, ये हाउसहोल्ड को गवर्नमेंट को बेचेगी, तो उस पर्टिकुलर एंटिटी को कहा जाता है फर्म. एंड गवर्नमेंट क्या होगी? गवर्नमेंट एक बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है विच पजेसेस लीगल एंड पॉलिटिकल पावर. भैया सरकार के पास पावर बहुत होता है. And exercises some of the power to control other sectors of an economy. और अपने कुछ powers को वो हर रोज daily basis पे utilize करती है economy को control करने के लिए. तो उस organization को, उस structure को कहा जाता है government, right? सरकार. Important definition है, आप screenshot लेना चाहे screenshot ले लीजिए, but मैं हमेशा से बोलता हूँ screenshot लेने वाले बहुत आलसी लोग होते हैं. भैया लिखो, make running notes, running notes बनाइए, it will be very very useful to you people. And the last topic of this particular chapter, we have completed this chapter in 31 minutes. It's good, good, good. चलिए दो टॉपिक और है. What is stock and what is flow? Stock variable means एक खाली एक particular phase आप याद कर लीजिए. जब भी stock पूछा जाएगा आप लिखेंगे stock are the variables which are expressed at a particular point of time. So उसमें खाली इतना सा याद कर लीजिए at a point of time. तो उसे कहा जाता है stock. जबकि flow में आपको याद करना है over a period of time. तो उसे कहा जाएगा फ्लो. डोंट वरी, मैं समझाऊंगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको पूछा, चलिए बताइए ऑन 31 मार्च 2021 आपकी शॉप में कितना क्लोजिंग स्टॉक था, तो दैट इज स्टॉक. क्योंकि मैं आपसे एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का पूछ रहा हूं, दैट एट पर्टिकुलर डेट हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टॉक यू पीपल आर हैविंग इन योर गोडाउन, देन दैट इज बेसिकली नोन एज स्टॉक. बट इफ आई चेंज माई क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू पीपल लाइक दिस, व्हाट वॉज योर सेल इन द लास्ट ईयर, आपने पिछले साल कितना माल बेचा, तो उसे कहा जाता है फ्लो. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपने कितना सेल्स किया, कितनी कमोडिटीज बेची, तो उसे कहा जाएगा फ्लो. सो दीज आर अगेन टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दीज डेफिनेशन, दैट दीज पीपल आर गोइंग टू आस्क यू वन ऑफ देम, 100% पूछेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, आगे भी काम आने वाली है. ठीक है बच्चा. सो इसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हुआ. पार्ट वन पार्ट टू में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया था और हमने चैप्टर नंबर सेकंड पूरा फिनिश कर दिया. सो 11th आईएससी कांग्रेचुलेशंस, आपको मैंने सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है. एंड ये बिगिनिंग है, एंड नहीं है. अब रोज आऊंगा मैं, रोज नए चैप्टर्स लाऊंगा. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको कितना मजा आ रहा है. आप ये भी लिखिएगा आप कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं. भैया मैं पहले वो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे तो डेली आके पढ़ाना ही है. सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है बच्चा, बाय बाय फॉर द डे. वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे.